तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर एसके के टेक। और आज हम लोग अनबॉक्स करेंगे ASUS ROG फ़ोन 5 का। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर ROG लिखा हुआ मिल जाता है इसमें। तो चलिए करते हैं बॉक्स को ओपन। यहाँ पे जो स्टिकर्स बने हुए हैं, अगर इसके फ़ोन के द्वारा आप इसे स्कैन करेंगे तो ये पूरे ही आपको लाइव चलते हुए दिखाई पड़ेंगे फ़ोन में, फ़ोन के स्कैनर से। तो इसमें सबसे ऊपर एक सेक्शन देखने को मिल जाता है जिसमें हमें सबसे उससे टूल में देखने को मिलती है, और उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है इसमें एक क्लियर केस तो नहीं कह सकते, ये एक कई गड्ढों वाला केस है। इसमें बहुत सारे इतने छेद हैं कि आपका फ़ोन का डिज़ाइन मस्त दिखेगा इसमें, और हमेशा से ऐसा ही डिज़ाइन रहा है इसका। और इसके बाद हमें अपना फ़ोन रखा हुआ मिल जाता है, इसको नीचे रखते हैं, और इसके नीचे हमें ऑब्वियसली हमें लोगों को इसमें 30W का चार्जर देखने को मिलता है, बट ये फ़ोन 65W की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 30W का लो चार्जिंग भी काफ़ी सही रहती है। और उसके नीचे हम लोगों को देखने को मिलती है टाइप सी केबल, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसके नीचे ये देखिए, नीचे रखी हुई है टाइप सी केबल रखी हुई मिली है इसमें। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके डिज़ाइन की, जो कि वेरी स्टाइलिश देखने को मिल जाती है। और इसमें ASUS की ब्रांडिंग पीछे की तरफ देखने को मिलती है, जो कि इसमें जो पीछे ASUS का जो लोगो बना हुआ है, ये इसमें लाइट जलती है। और इसके कैमरा मॉड्यूल भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। डिस्प्ले की बात करें तो सबसे पहले इसमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसकी ब्राइटनेस 1200 निट्स तक जा सकती है। और ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन के साथ आता है, और इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का है, और टच सैम्पलिंग 300 हर्ट्ज की है, जो कि बहुत ही कमाल देखने को मिल जाती है। इसका टच सैम्पलिंग रेट 300 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, पर इसको जब हम लोग यूज़ करेंगे तब हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। पर फिर भी यहाँ पे मैं यूज़ करके देख रहा हूँ तो काफ़ी फास्ट सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, नीचे ऊपर करता हूँ, तो इसकी पूरा ये मैनुअल अच्छा सा ग्लो, और इसका बैक देखिए ग्लो करता है, और ये देखिए मैंने जैसा कि कहा था। और डिस्प्ले सचमुच में काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है। तो अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें हमें दो बैटरी देखने को मिलती हैं, 3000 प्लस 3000 mAh की, जो कि टोटल मिला के 6000 mAh की है। अगर आप इसको चार्जिंग करेंगे इसको तो इसमें आप हीट का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, जब भी आप इसको फ़ोन को चार्ज करेंगे तो इसमें 3000 mAh की बैटरी एक लेफ़्ट साइड एक राइट साइड लगी हुई है, बीच में आपका प्रोसेसर लगा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे आपका बैटरी कैपेसिटी भी बनी रहेगी और आपका फ़ोन काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, और आपके फ़ोन को बिल्कुल भी लैग नहीं महसूस होने देगा, और आपके सारी ऐप्स काफ़ी जल्दी लोड होंगी जैसे ही आप टैप करेंगे और मूव करेंगे अपने सारी ऐप्स को। और ये ऐप्स आपकी रैम में भी काफ़ी लंबे समय तक रहेंगी, और प्रोसेसर ही इतना अच्छा है तो प्रोसेसिंग अच्छी होगी, जिसकी वजह से आपका काफ़ी समय बचेगा, क्योंकि ये 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है ये। और इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 16GB का रैम और 128GB का बेस वेरिएंट आता है, और इसका अल्टीमेट एडिशन 18GB की रैम, 256GB स्टोरेज और 512GB के स्टोरेज के साथ आता है, जो कि आप 1TB तक बढ़ा सकते हैं इसको। ये डबल नैनो सिम स्लॉट के साथ इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है, जो कि दोनों ही सेम 5G सपोर्टेबल हैं, ये एक 5G फ़ोन है।
और इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें 512 GB की रैम भी देखने को मिल जाएगी, या 128 GB की रैम भी कम नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास जो वेरिएंट है वो है बेस वेरिएंट 16 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ में। इस फ़ोन में हमें ROG UI देखने को मिलती है, जो कि आपने अगर यूज़ किया तो ये काफ़ी इमर्सिव से एक्सपीरियंस देती है, और ये एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड फ़ोन आता है। ऑडियो की बात करें तो इसमें हमें फ्रंट फायरिंग डुअल स्टूडियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, और इसमें 9 माइक्स हैं। और अगर आप पबजी खेल रहे हैं या कुछ भी ऑनलाइन चैटिंग गेम जैसे कि आप खेल रहे हैं, तो इसमें आपकी आवाज़ क्लियर आपके बंदों तक पहुंचेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 9 माइक्स कम नहीं होता, आप अगर कुछ भी रिकॉर्ड भी करते हैं तो आपकी एक एक डिटेल्ड वॉइस आपकी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। और अगर इसके कैमरे की बात करें तो इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। फ्रंट में हमें 24 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, और जैसा कि मैंने बता ही चुका हूँ कि इसमें पबजी अल्ट्रा HD ग्राफिक्स पर सपोर्ट करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके कूलर की। तो कूलर हमें इसमें नहीं देखने को मिलता है इसके बॉक्स में, तो आपको अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। इसके बॉक्स में हमें सिर्फ कूलर ही देखने को मिलता है, जो आप इस फ़ोन के साथ अटैच करके इसको अच्छे से चला सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन काफ़ी कूल रहेगा और आपकी बैटरी भी टिकी रहेगी। और इसका जो ये लोगो बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छी तरह से जलता है। और इसमें जो ये स्टैंड दिया हुआ, आप इसके फ़ोन को रख भी सकते हैं वीडियो देखने के लिए, आप घंटों मूवी देख सकते हैं, वॉच टाइम आप पूरा अपना दे सकते हैं इस फ़ोन के साथ। और इसमें 8 ट्रिगर्स भी दिए हुए हैं, 2 एयर ट्रिगर्स हैं, और इसके ऊपर साइड के भी 2 एयर ट्रिगर्स दिए हुए हैं। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही इमर्सिव होने वाला है। आप पीछे से भी एयर ट्रिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जो प्रो बंदे हैं वो सारे के सारे एयर ट्रिगर्स का फुल्ली इस्तेमाल करेंगे। अगर आप प्रो नहीं हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ़ोन के फिज़िकल ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इस फ़ोन में हमें नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल और टाइप सी पोर्ट और आपका प्यारा 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। और ऊपर साइड हमें बिल्कुल क्लियर देखने को मिलता है, और इसके राइट साइड में भी हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप गेम खेलते वक्त भी इसे फ़ोन को चार्ज या स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इस फ़ोन के साथ में। आप ये एक गेमिंग बीस्ट है, जो कि फुल्ली मुरे को बहुत पसंद आया है। और आपको कैसे लगा ये आप कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और लाइक कीजिए इस वीडियो।